दोस्तों आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल शिवंदी फिक्स में बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने न्यू अपडेट के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका फिजिकल नहीं होने वाला है, आगे की प्रोसेस नहीं होने वाली है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इज यूजफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बात करेंगे कि SSC GD का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कौन कौन से फिजिकल में डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट को दिखाकर आपको बताता चला जाऊँगा कि क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इसकी लिमिट है। तो चलिए बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवारों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर हमारे कम मार्क्स हैं, हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया। तो मैं आपको बता दूं कि सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा, किस बेसिस पर बुलाया जाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार जो वैकेंसी है वो भले ही कम वैकेंसी है लेकिन इस वैकेंसी के 12 गुना कैंडिडेट्स को ज़्यादा बुलाया जाएगा, तो लगभग 3 लाख के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो सबका नाम आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, कमर कस लीजिए, दौड़ना स्टार्ट नहीं किया दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आपके फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फिजिकल से पहले, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला तो ये डॉक्यूमेंट्स है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, हर कैंडिडेट के पास होना चाहिए, जिसका नाम है जाति प्रमाण पत्र। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है SSC के लिए, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स में जो लिमिटेशन है वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें जो आपकी डेट रहेगी वो आपके फॉर्म फिल करने से पहले की डेट रहनी चाहिए, फॉर्म फिल करने के बाद की डेट इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म फिल करने की पहले की डेट का ही होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका अमान्य कर दिया जाएगा और आपको फिजिकल के लिए वेरीफाई नहीं मिल पाएगा और फिजिकल के लिए कोई भी प्रोसेस आपकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका पहला। चलिए अब बात करेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। मूलवासी इसकी बात करें तो ये सभी उम्मीदवारों के पास होता ही है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है कि मतलब इसमें डेट एग्ज़ाम के पहले की, वो फॉर्म फिल करने की पहले की होनी चाहिए या बाद की होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इसमें परमानेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी सटीक होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है। चलिए चलिए अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। अगर ये वाला डॉक्यूमेंट्स किसी उम्मीदवार के पास नहीं है तो उसके लिए फिजिकल में जा पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं अब बात कर लेता हूँ वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है। तो सुनिएगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स है आपका एज रिलैक्सेशन का। ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी एज में कितनी छूट मिली है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबके पास होना चाहिए। अब ये वाला डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, इसकी क्या प्रोसेस है, तो वो आपको मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और वहां से आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको वहां पर बता दूंगा। अभी पूरी प्रोसेस समझाइए कमेंट करके, तो देखो भाई कमेंट करके तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करिए, वहां पर मैं आपको इसकी सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे इसको बनवाना है, ठीक है भाई। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लव यू दोस्तों, गुस्सा नहीं होना, जय हिंद।